यामिनी मायूसी के साथ घुटनों के बल घाट पर ही बैठ जाती है। जैसे युग तो जीत गया था पर वो अंदर से हार चुकी थी। रात का वक्त था। लालखाल जंगल के अंदर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। लालखाल जंगल में मोटे तने के 10-11 फुट के बड़े बड़े पेड़ थे और हर पेड़ का तना एकदम लाल था, रक्त की तरह। घने अंधेरे में भी लालखाल जंगल के पेड़ के तने इंसानी खाल की तरह लाल रंग में चमके जा रहे थे। उसी लालखाल जंगल के अंदर घुटनों के नीचे तक पानी भरा हुआ था। उस पानी में जरा सा भी बहाव नहीं था, वो पानी वहां पर ठहरा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जंगल के अंदर इतना सारा पानी कैसे जमा हो गया था। लालखाल जंगल के अंदर सन्नाटा छाया ही हुआ था कि तभी वो सन्नाटा भंग होने लग जाता है, और उस सन्नाटे को भंग कोई और नहीं बल्कि एक लड़की कर रही थी। एक लड़की लालखाल जंगल के अंदर अपनी जान बचाकर भागे जा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे और पसीने से ही लथपथ कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से भागे जा रही थी। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लग गई थी, पर तब भी वो भागते जा रही थी। जैसे वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो रुकी तो उसकी मौत निश्चित थी, इसीलिए जिंदा रहने के लिए उसने सोच लिया था कि वो भागते रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। उस लड़की ने अपने हाथ में वॉइस रिकॉर्डर पकड़ कर रखा हुआ था। भागते भागते उस लड़की की सांसें फूलने लग गई थी और वो समझ गई थी कि उसके लिए रुकना बहुत जरूरी था। भागते हुए वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, और जब उसे उसके पीछे कोई आता हुआ नजर नहीं आता है तो वो तुरंत एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वो लड़की पेड़ से टिककर बैठती है और लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। वो लड़की वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करके उसे अपने मुंह के पास रखते हुए हांफते हुए कहती है, वो मेरे पास है, वो मुझे मिल गई है, मैंने उसे बचा लिया है और मैं अब लालखाल जंगल से बाहर भाग रही हूँ। इस पूरे लालखाल जंगल के अंदर उसका ही राज है, उसका जादू समाया हुआ है हर जगह में उसे। वो लड़की इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसे पानी में भागते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। वो लड़की फिर अपनी जगह पर खड़ी होती है और भागने लग जाती है। वो लड़की भागते हुए फिर कहती है, वो एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, अगर वो उसमें कामयाब हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, रुक जा, भागती कहां पर है, आज तेरी खाल भी उतार कर इसी लालखाल जंगल के पेड़ों में टांग दूंगा, तेरी खाल भी इन्हीं पेड़ों में लटकी हुई मिलेगी। आदमी की आवाज सुनकर वो लड़की और तेज भागने लग जाती है। भागते भागते वो लड़की लालखाल जंगल से बाहर निकल जाती है। जंगल के बाहर बिल्कुल पानी नहीं था, पानी से घिरा जंगल वाला एरिया उसने पार कर लिया था और अब उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जिसकी चोटी काफी ऊंची थी। वो लड़की पहाड़ पर चढ़ते हुए वॉइस रिकॉर्डर में कहती है, मैं उसको लेकर लालखाल जंगल से बाहर आ गई हूँ, अब उसे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, पर एक मुर्दा अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं उसी से अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ। लड़की वॉइस रिकॉर्डर में कुछ ना कुछ कहते जा रही थी और पहाड़ चढ़ते जा रही थी। वो लड़की फिर खुद से बोल पड़ती है, मैंने उसे देखा है, वो और शक्तिशाली हो गया है, वो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात। वो लड़की इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही उसे फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है उसके पीछे एक मुर्दा था, और वो मुर्दा कोई और नहीं बल्कि प्रशांत था। प्रशांत ही उस लड़की की जान के पीछे पड़ा हुआ था। प्रशांत ने अपने एक हाथ में लोहे का करीब 5 फुट का नुकीला सरिया पकड़ा हुआ था। वो लड़की हड़बड़ाहट के साथ फिर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। प्रशांत अभी पहाड़ के नीचे ही था, उसने पहाड़ चढ़ना शुरू नहीं किया था। प्रशांत गुस्से के साथ उस लड़की को पहाड़ चढ़ते हुए देख रहा था। उसी वक्त प्रशांत लोहे के सरिये को उठाता है और उस लड़की की तरफ फेंक देता है। वो सरिया तेजी के साथ हवा में उड़ते हुए आगे जाता है और सीधे जाकर उस लड़की के सीने के एकदम बीचों बीच घुसता है और उसके सीने के आर पार हो जाता है। वो लड़की दर्द से तड़पते हुए कसकर चीखती है, लोहे का सरिया उस लड़की के खून से सन जाता है। वो लड़की पीछे की तरफ धड़ाम से पहाड़ी पर गिरती है और लुढ़कते हुए ही पहाड़ के नीचे आने लग जाती है। ये देखकर प्रशांत कसकस कर हंसने लग जाता है। वो लड़की पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आती है और सीधे प्रशांत के पैरों के पास आकर रुक जाती है। उसके सीने के अंदर सरिया अभी भी घुसा हुआ था जो अब पूरी तरह खून से सन चुका था। वो लड़की अभी भी जिंदा थी और दर्द से कराहे जा रही थी। पहाड़ से गिरने के कारण उसके हाथ पैर में खरोचे आ गई थी जिससे खून बहने लग गया था। प्रशांत अपने आसपास देखने लग जाता है। उसकी नजरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, पर जिस चीज को वो ढूंढ रहा था जब वो उसे नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाता है। प्रशांत गुस्से के साथ उस लड़की को देखते हुए उससे पूछता है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो। प्रशांत को इतना परेशान देखकर वो लड़की इतने दर्द में भी मुस्कुराने लग जाती है। उसे देखकर हंसने लग जाती है पर उससे कहती कुछ नहीं है।
ये देखकर प्रशांत को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ ही उस लड़की को घूरते हुए कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। प्रशांत के पास एक छोटा सा नुकीला चाकू भी था। प्रशांत उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ता है और पूरी जान के साथ उस लड़की की आंख की पुतली के अंदर घुसेड़ देता है। वो लड़की फिर एक बार दर्द से कराह उठती है। प्रशांत फिर उस लड़की से गुस्से के साथ पूछता है, अब बता कहां पर है वो। वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती है। प्रशांत को उस लड़की की दर्द से कराहते हुए जो आवाज पहले सुनाई दे रही थी, अब वो भी सुनाई नहीं दे रही थी। प्रशांत अपने दोनों हाथों से उस लड़की को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, उठ, मर गई क्या? उठती क्यों नहीं? बता वो कहां पर है? तूने क्या किया उसके साथ? आंख के अंदर चाकू घुसेड़ते ही उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया था और वो मर चुकी थी। प्रशांत कुछ घबराते हुए खुद से कहता है, अब मैं कालस्वामी को क्या जवाब दूंगा? जब वो मुझसे उसके बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? प्रशांत की घबराहट बढ़ने लग जाती है और घबराते हुए ही उसकी नजर जब उस लड़की के शव पर जाती है तो उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। प्रशांत उस लड़की का चेहरा देखते हुए कहता है, ये सब इसके कारण हुआ है, इसने सब बिगाड़ दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से की आग में ही प्रशांत चाकू को उस लड़की की आंख के अंदर से वापस से बाहर निकालता है और बार बार उसके चेहरे के अंदर घूमने लग जाता है, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस लड़की के चेहरे पर उतारना चाहता हो। उस लड़की के खून के छींटे प्रशांत के चेहरे पर पड़ने लग जाते हैं, पर फिर भी वो चाकू उस लड़की के चेहरे के अंदर बार बार घोंपते रहता है। प्रशांत उस लड़की के चेहरे पर बार बार चाकू घोंप ही रहा था कि तभी उसे एक महक आने लग जाती है, एक ऐसी महक जिसे सूंघकर उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। वो चाकू को उस लड़की के अंदर घोंपना बंद कर देता है। प्रशांत उस महक को सूंघते हुए खुद से कहता है, ये महक तो वही है जो मुझे तब आया करती थी जब मैं लेखक बाबू से मिलने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी जाया करता था, और उस वक्त तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। इतना कहकर प्रशांत खुद चुप हो जाता है। वो एकदम गहरे सदमे में चला गया था। प्रशांत उस महक को लेकर परेशान ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि पायल की छनछन की थी। प्रशांत घबराते हुए खुद से कहता है, ये पायल की आवाज यहाँ पर कहाँ से आ रही है? कहीं वो। इतना कहकर प्रशांत फिर खुद चुप हो जाता है। पायल बजने की आवाज करीब आते जा रही थी, जैसे कोई लड़की पायल पहनकर उसी की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही हो। प्रशांत डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे सांप सूंघ जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लग जाते हैं। प्रशांत के पीछे कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी खड़ी हुई थी। यक्षिणी ने अपने पैरों में पायल पहनकर रखी हुई थी और उसी के बदन से महक आ रही थी जो कुछ देर पहले प्रशांत को आई थी, और वो महक किसी और चीज की नहीं बल्कि चमेली के फूलों की थी, जो इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि प्रशांत के सामने यामिनी नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी मौजूद थी। प्रशांत हकलाते हुए कहता है, कामेश्वरी यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत को घूरते हुए कहती है, हाँ प्रशांत, मैं कामेश्वरी, तेरी मौत। प्रशांत डरते हुए बोल पड़ता है, तुम आजाद हो गई? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे तो आजाद होना ही था प्रशांत, बुराई का अंत जो करना था, और बुराई के अंत की शुरुआत तुझसे होगी, तेरे अंत से होगी। प्रशांत अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो कामेश्वरी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो, मैंने जो भी किया है सब कालस्वामी के कहने पर किया है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अब उसी कालस्वामी के लिए तुझे मरना होगा प्रशांत। प्रशांत अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए बड़े ताव के साथ कहता है, मरे हुए को कैसे मारेगी कामेश्वरी? कामेश्वरी जवाब देती है, मरे हुए को मारा नहीं जा सकता, पर मुक्ति तो दिलाई जा सकती है ना प्रशांत। कामेश्वरी की ये बात सुनकर प्रशांत के अंदर का डर बढ़ने लग जाता है। वो ताव जो वो दिखा रहा था एक पल में छूमंतर हो जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर प्रशांत से बोल पड़ती है, मार तो मैंने तुझे पहले ही दिया था प्रशांत, उसी रात तेरा दिल निकालकर, पर आज मैं तुझे इस लोक से मुक्ति दिलाऊंगी ताकि तेरी आत्मा को शांति मिल सके। प्रशांत पलट कर कहता है, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मैं इसी लोक में रहना चाहता हूँ। काल स्वामी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उनका मकसद पूरा करने में उनकी मदद करूँ तो मैं अपनी बेटी बिंदु के साथ इसी लोक में रह सकता हूँ, इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कुछ कहती उससे पहले ही प्रशांत फिर बोल पड़ता है, जीते जी तो तुमने मुझे मेरी बेटी के साथ रहने नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद ही रहने दो। प्रशांत नम लहजे के साथ कहता है, क्या गलती थी मेरी जो तुमने मुझे उस रात अपना शिकार बनाया? क्यों मारा तुमने मुझे? आज मेरी जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से ही है। अगर तुम मुझे नहीं मारती तो मैं कभी ऐसा नहीं बनता, कभी मुझे काल स्वामी का सेवक नहीं बनना पड़ता और ना ये सब करना पड़ता। प्रशांत की नजरों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कामेश्वरी यक्षिणी से प्रशांत का मुर्दा नहीं खुद प्रशांत बात कर रहा हो। प्रशांत फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है,
मैं तो लेखक बाबू का कितना अच्छा दोस्त था, हर वक्त मैंने उनकी मदद की, उनकी क्या चित्रा तक की भी मैंने मदद करी, और तुमने मुझे ही मार दिया। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, हाँ मुझे तुझे मारना पड़ा क्योंकि तेरा मरना बहुत जरूरी था प्रशांत, और ये तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि तेरा मरना क्यों जरूरी था। प्रशांत गुस्से के साथ कामेश्वरी यक्षिणी को देखने लग जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी को नाटक करके जिसमें वो बहकाना चाहता था उसमें कामेश्वरी यक्षिणी नहीं फंसने वाली थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर प्रशांत से बोल पड़ती है, गलती तेरी है प्रशांत, तुझे उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में रुकना ही नहीं चाहिए था, वापस लौट कर नहीं आना चाहिए था। कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत की आंखों में देखते हुए कहती है, उस रात तो मैं तुझे मुक्ति नहीं दिला पाई थी भक्षानर के अंश के कारण, पर आज मैं तुझे मुक्ति जरूर दिलाऊंगी प्रशांत। प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे इसी लोक में रहना है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, नहीं प्रशांत, अब ये तेरा लोक नहीं है, तेरी जगह अब दूसरे लोक में है, तुझे वहीं पर जाना होगा। ये लोक इंसानों के रहने के लिए है, मुर्दों के रहने के लिए नहीं। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी प्रशांत की तरफ अपने दोनों हाथ आगे करके बढ़ाने लग जाती है। प्रशांत ना में अपना सिर हिलाते रहता है, पर यक्षिणी की आंखों में देखकर ना जाने उसे क्या हो जाता है, उसके हाथ खुद ब खुद ऊपर हवा में उठते हैं और वो अपने दोनों हाथ यक्षिणी के हाथों में दे देता है। यक्षिणी भी अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लेती है। यक्षिणी प्रशांत को एकटक देखते हुए उससे कहती है, जीते हुए को शक्ति मिले, मरे हुए को मुक्ति मिले। जैसे यक्षिणी तीन बार ये बात बोलती है, प्रशांत के दोनों हाथ में आग लगने लग जाती है, प्रशांत के दोनों हाथ जलने लग जाते हैं, प्रशांत चीखने चिल्लाने लग जाता है। देखते ही देखते आग उसके पूरे बदन में फैल जाती है और अगले ही पल उसका शरीर जलकर खाक हो जाता है। प्रशांत का अस्तित्व इस लोक में से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। प्रशांत की राख में से छोटे छोटे सफेद कण निकलते हैं और हवा में उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा दूसरे लोक में जा रही हो। उन कणों के ओझल होते ही यक्षिणी आक्रोश भरी आवाज में खुद से कहती है, नियति का चक्र एक बार फिर घूम चुका है भक्षानर, नियति का एक चक्र तब घुमा था जब तू ग्रेवयार्ड कोठी से आजाद हुआ था, और आज नियति का चक्र एक बार फिर घूम चुका है जब मैं आजाद हुई हूँ, और ये नियति का अंतिम चक्र है। सदियों से चली आ रही इस कहानी का अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका है भक्षानर, तेरे अंत की कहानी शुरू हो चुकी है। सदियों से चली आ रही इस कहानी का अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका है भक्षानर, तेरे अंत की कहानी शुरू हो चुकी है। ग्रेवयार्ड कोठी में युग अदृश्य कमरे के अंदर था और नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ना उसकी आंखें पीले रंग में चमक रही थी और ना ही उसके हाथों पर बने हुए पांचों निशान। उसकी निगाहें एक ही जगह पर टिकी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में खोया हो, कोई सी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसने उसे परेशानी में डाल दिया हो। युग बहुत गंभीर लग रहा था। युग के धीरे धीरे हिलते होठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की गिनती कर रहा हो। युग गिनती करते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, फिर एक बॉटल गायब हो गई। युग की निगाहें किसी और चीज पर नहीं बल्कि उस लकड़ी की बनी हुई अलमारी पर थी जो अदृश्य कमरे के अंदर रखी हुई थी, जिस अलमारी में 64 खाने बने हुए थे जिनमें अलग अलग शक्तियों से बनाई हुई बॉटल रखी हुई थी। युग उस रात को याद करने लग जाता है जब वो पहली बार सबके साथ इस कमरे के अंदर आया था कामेश्वरी यक्षिणी को ढूंढने के लिए। युग उसी रात के बारे में याद करते हुए खुद से कहता है, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो इस अलमारी में 64 खानों में से 63 खानों में अलग अलग शक्तियों से बनी हुई बॉटल रखी थी, और अब देखो बस 15 बॉटल रखी हुई है। आखिर कहाँ चली गई वो बॉटलें? हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक बॉटल गायब हो जाती है और उसका कुछ पता नहीं चलता है। युग परेशान होते हुए कहता है, पूर्णिमा अमावस्या की रात मेरे ऊपर भी भक्षानर की शैतानी शक्तियां हावी हो जाती हैं, जिस कारण मुझे घाट पर जाना पड़ता है शिकार करने के लिए, वरना मैं यहाँ पर रुककर देख लेता कि आखिर इस कमरे के अंदर होता क्या है मेरे यहाँ से जाने के बाद। युग बाकी की बची हुई बॉटलों को देखते रहता है और उसे देखकर परेशान होते रहता है। कुछ देर बाद जब युग ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता तो वो खुद ही उस कमरे से बाहर जाने लग जाता है। युग उस अदृश्य कमरे से बाहर आता है और सीधे हॉल में आ जाता है। हॉल के अंदर ही यामिनी मायूसी के साथ बैठी हुई थी। यामिनी भी नॉर्मल थी, उसके सिर के ऊपर उसका ताज नहीं रखा हुआ था। युग नॉर्मल लहजे में यामिनी से कहता है, यामिनी तुम आ गई, आज बहुत देर कर दी तुमने वापस आने में, मैं तो तुमसे काफी पहले आ गया था, तुम कहाँ रह गई थी आज? यामिनी युग से नजरें फेर लेती है। यामिनी के चेहरे और हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युग से नाराज हो। यामिनी को देखकर युग भी समझ गया था कि यामिनी उससे नाराज है, पर उसे अच्छे से पता था कि यामिनी को कैसे मनाना है।
युग फिर यामिनी से बोल पड़ता है। मेरी यामिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने युग बाबू के सवाल का जवाब नहीं दोगी? इतना कहकर युग यामिनी के फिर चेहरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यामिनी भी फिर से युग से दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है ताकि युग उसे देख ही नहीं पाए। यामिनी के नाक पर चढ़ा हुआ गुस्सा देखकर युग समझ गया था कि यामिनी इस बार उससे कुछ ज्यादा ही नाराज है। वो इस बार उससे इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। युग अपना हाथ पेट पर रखते हुए नाटक के साथ फिर यामिनी से कहता है, मेरे पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं यामिनी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो चलकर साथ में खाना खाते, तुम्हारी बातों के बिना मेरा खाना कैसे होगा? यामिनी तीखे स्वर में युग से कहती है, क्यों, तीन तीन मासूम लोगों की बलि चढ़ाकर आपका पेट नहीं भरा क्या, जो आपको अभी भी भूख लग रही है? जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, युग के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलने लग जाते हैं। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि यामिनी की बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यामिनी के ऐसे जवाब की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और सब कुछ भूलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ यामिनी से बोल पड़ता है, चलो यामिनी खाना खाते हैं। यामिनी तीखे स्वर में बोल पड़ती है, मुझे ऐसे शख्स के साथ खाना नहीं खाना जिसने मासूम लोगों की जान ली हो, जो अपने मतलब के लिए बेवजह लोगों को मारता हो। यामिनी की बातें सुनकर युग ने भी अपना आपा खो दिया था। वो भी गुस्से के साथ पलटकर यामिनी से बोल पड़ता है, क्या कहा तुमने यामिनी, कि मैं अपने मतलब के लिए लोगों को मारता हूँ? यामिनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या युग बाबू, आप जो भी कर रहे हैं अपने मतलब के लिए तो कर रहे हैं ना? युग कड़क लहजे में कहता है, बिल्कुल नहीं यामिनी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने नहीं, हमारे मतलब के लिए कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ। यामिनी पलट कर कहती है, कौन दोस्त युग बाबू, अब बचा ही कौन है, कोई भी तो नहीं है अब यहाँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। युग अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा यामिनी तुमने, मेरी वजह से? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, आपकी वजह से, आपके भक्षानर बनने की वजह से। युग पलट कर कहता है, मैं अपनी खुशी से भक्षानर नहीं बन रहा हूँ यामिनी, नियति मुझे भक्षानर बनाना चाहती है ताकि मैं उस भक्षानर के अंश का अंत कर सकूं, उससे सबका बदला ले सकूं। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, नियति कभी किसी इंसान को गलत राह पर नहीं ले जाती है, इंसान अपनी राह खुद चुनता है और आप खुद गलत राह पर जा रहे हैं। युग बड़े ताव के साथ कहता है, अगर उस भक्षानर का अंत करने के लिए मुझे गलत राह पर ही जाना पड़े तो मैं जाऊंगा यामिनी, तुम जानती हो मैं शिकार अपनी खुशी से नहीं करता हूँ। यामिनी पलट कर कहती है, आप गलत कह रहे हैं युग बाबू, आप अपनी खुशी के लिए शिकार करते हैं, आप चाहे तो अपने आप को रोक सकते हैं पर कभी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, जानबूझकर अमावस्या पूर्णिमा की रात घाट पर जाते हैं और मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। युग कहता है, मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ यामिनी। यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और अपने सिर के ऊपर रखते हुए कहती है, मेरी कसम खाइए और अब बताइए, क्या कभी खुद अपने आप को रोकने की आपने कोशिश की है किसी का शिकार करने से? युग झट से यामिनी के सिर पर से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जैसे वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हो। यामिनी फिर बोल पड़ती है, क्या हो गया युग बाबू, दीजिए जवाब, या जवाब देने में शर्म आ रही है? युग भी यामिनी के अंदाज में ही पलट कर कहता है, मैं तो अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करता, पर तुम तो मुझे रोकने की पूरी कोशिश करती हो ना यामिनी, और रोक भी देती हो। यामिनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, पर हर बार नहीं रोक पाती युग बाबू, कई बार हार जाती हूँ मैं आपसे और आप लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं, आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि मैं लोगों को अपना शिकार बना रहा हूँ, बल्कि बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम कभी कभी मुझसे हार जाती हो, धीरे धीरे मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बन रहा हूँ। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं युग बाबू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। युग कहता है, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ यामिनी तुम क्या कहना चाहती हो, पर तुम भी मेरी बात अच्छे से समझ लो, मैं तब तक हर अमावस्या पूर्णिमा की रात शिकार करते रहूंगा जब तक उस भक्षानर की तरह ताकतवर नहीं बन जाता, मुझे उसकी तरह ताकतवर बनना है ताकि मैं उसका अंत कर सकूं, मैं अब उसकी शक्तियों से ही उसका अंत कर दूंगा। यामिनी पलट कर कहती है, युग बाबू, भक्षानर की तरह ताकतवर बनने के चक्कर में कहीं आप खुद उसकी तरह ना बन जाएं। आपको जरा भी होश है कि ताकतवर बनने की आस में आज आपने किसको अपना शिकार बनाया है? जैसे यामिनी ये बात बोलती है, युग चुप सा हो जाता है, जैसे चार्ली को अपना शिकार बनाने का उसे भी गम हो। यामिनी फिर युग से बोल पड़ती है, चुप क्यों है युग बाबू, बताइए ना, किसे आज आपने अपना शिकार बनाया था घाट पर? युग अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी खुद बोल पड़ती है, भक्षानर की काली शक्तियां आप पर हावी होने के कारण आपको तो कुछ याद ही नहीं होगा ना, तो चलिए मैं ही आपकी मदद कर देती हूँ, बता देती हूँ कि किसको आज आपने मारा है। युग धीरे से मायूसी के साथ कहता है,
रहने दो यामिनी। यामिनी ताव के साथ बोल पड़ती है, ऐसे कैसे रहने दो युग बाबू, आज आपको सुनना पड़ेगा, आपको भी तो पता चले कि आज आपने किसको खोया है। युग चुप ही रहता है। यामिनी युग को एकटक देखते हुए बोल पड़ती है, तो सुनिए, आज आपने जिसे अपना शिकार बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली जी थे। वो चार्ली जी जिन्हें आप अच्छे से जानते थे, जो वर्चस्विनी जी के काफी अच्छे दोस्त थे और हम सबके भी। युग यामिनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है यामिनी, मुझे थोड़ी पता था कि आज घाट पर मुझे चार्ली जी मिल जाएंगे, और वैसे भी उन्हें क्या जरूरत थी घाट पर बैठकर वो सब करने की, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। यामिनी पलट कर कहती है, हाँ युग बाबू, आपकी कभी कोई गलती होती ही कहाँ है, सारी गलती तो बस दूसरों की होती है। चार्ली जी की ही गलती होगी, उन्हें घाट पर नहीं आना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि घाट पर एक भक्षानर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है जो कोई और नहीं आप है। युग खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए ताव ताव में बोल पड़ती है, आपको नहीं पता युग बाबू आप क्या बनते जा रहे हैं, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है युग बाबू कि जब आप भक्षानर बनते हैं तब आप क्या से क्या हो जाते हैं। आपको पता भी आज कितनी बार आपने मुझ पर जानलेवा हमला किया है, कितनी बार मैं आपके वार से बची हूँ। यामिनी नम आंखों के साथ कहती है, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कि आपने ही कछुए को भी। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। उसकी आंखों के आंसू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी के खोने का गम हो। उसकी आंखों और लहजे में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अब बाकी सब की तरह यामिनी तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। यामिनी कहती है, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ युग बाबू, बस बता रही हूँ। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें भी यही लगता है कि कछुए को मैंने मारा है तो तुम भी बाकी सबकी तरह मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो। यामिनी, ना मैंने पहले तुम्हें रोका था ना अब रोकूंगा। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, जाना होता तो पहले ही चली जाती युग बाबू, पर कसम खाई है कि अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी, चाहे फिर कुछ भी हो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। युग यामिनी को एकटक देखते हुए कहता है, अगर कसम खाई है यामिनी तो फिर मुझे मत रोको, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला हूँ, तब तक नहीं जब तक मैं उस भक्षानर का अंत नहीं कर दूंगा। मुझे उससे बदला लेना है, अपने दोस्तों का बदला, और मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, चाहे फिर बदला लेने के लिए मुझे उसकी तरह ही बुरा क्यों ना बनना पड़े। इतना कहकर युग खुद वहां से चले जाता है। यामिनी भी मायूसी के साथ वहीं पर खड़ी रहती है, युग को रोकने की जरा सी भी कोशिश नहीं करती है। यामिनी युग को जाते देख मन में नम लहजे के साथ सोचने लग जाती है, मैं यही तो नहीं चाहती हूँ युग बाबू कि आप भी उस भक्षानर की तरह बुरे बने, वरना फिर आप में और उस भक्षानर में फर्क ही क्या रह जाएगा, कैसे रोकूं मैं आपको बुरा बनने से। मेघालय का कैथोलिक कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान जहाँ पर अतृप्त आत्माएं भटका करती हैं, जिसे आत्माओं का घर भी कहा जाता है, उसी आत्माओं के घर में कोई और नहीं बल्कि डायना भटक रही थी। डायना ने काला सूट पहनकर रखा हुआ था और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर साफ समझ आ रहा था कि वो उस कब्रिस्तान में अकेले नहीं चल रही थी, उसके साथ कोई और भी था जो उसके साथ ही कदम से कदम मिलाते हुए चलते जा रहा था। डायना जिस शख्स के साथ कैथलिक कब्रिस्तान में भटक रही थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि काली पोशाक वाला आदमी था, वो काली पोशाक जिसने यामिनी को मारा भी था और उसकी भक्षानर के अंश से जान भी बचाई थी। उस काली पोशाक वाले आदमी ने अभी भी अपना चेहरा ढककर रखा हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस काली पोशाक वाले आदमी ने अपने हाथ में वज्र पकड़कर रखा हुआ था, स्वर्ण रंग का होने के कारण वो वज्र रात के अंधेरे में अलग ही चमक रहा था। डायना उसी काली पोशाक वाले आदमी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान और भी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। हर तरफ कब्रें बिछी हुई थीं जिनके ऊपर किसी के होने का एहसास हो रहा था। डायना और काली पोशाक वाला आदमी को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो किसी को तलाश कर रहे हैं, उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। सूखे हुए पत्तों को अपने पैरों से रौंदते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ा सा दीपक नजर आता है। वो दीपक करीब 4 फुट बड़ा था, पर वो दीपक बुझा हुआ था और उसमें कई सारे मकड़ी के जाल बने हुए थे, जैसे उसे सालों से छुआ तक नहीं गया हो। डायना उस दीपक को देखते हुए काले पोशाक वाले आदमी से कहते हैं, हम पहुंच गए उस जगह पर। काली पोशाक वाला आदमी कहता है, तो फिर अब मौत का खेल शुरू करते हैं डायना। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।